हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड एक हिंदी सब्जेक्ट में लिंग के बारे में समझेंगे। समझने से पहले यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सब आपको अपनी बुक में लिखना है। तो आइए देखते हैं लिंग की डेफिनेशन। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि दुनिया में हर एक प्राणियों के दो वर्ग बनाए गए, एक स्त्री और दूसरा पुरुष वर्ग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है लड़का सो रहा है, तो जो लड़का जो है वो सो रहा है, तो हम दो तरीकों से उसका लिंग पहचान सकते हैं, एक तो उसका नाम और दूसरे उसकी क्रिया। यानी कि सो रहा है तो क्या हुआ, पुरुष जाति, क्योंकि यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है। वैसे ही क्या लिखा है, लड़की सो रही है, स्त्री लड़की जो है वो सो रही है, तो लड़की क्या हुआ, स्त्रीलिंग। तो लिंग के दो प्रकार है, एक पुलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आइए देखते हैं पुलिंग की डेफिनेशन। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का, उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुलिंग कहते हैं। यानी कि पुरुष जाति के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुलिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नौकर चाय ला रहा है, तो यहाँ पे हम दो तरीकों से पुलिंग शब्द जान सकते हैं। एक तो जो नौकर, तो नौकर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम क्या बोलते हैं, नौकर कैसा है, तो जिस शब्द में कैसा से प्रश्न पूछ सकते वो क्या हुआ, पुलिंग। या तो फिर उनकी क्रिया ला रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ला रहा है, तो ये ला रहा है उसके ऊपर से भी हम पुलिंग समझ सकते हैं। परिवार में चार भाई थे, तो परिवार के बारे में हम पूछे तो कैसा, परिवार कैसा, तो उसके पीछे क्या हुआ, कैसा, तो परिवार क्या हुआ, पुलिंग। वैसे ही भाई, भाई भी क्या होगा, पुलिंग। कवि कल्पना करता है, तो जो कवि है, कवि कैसा, कवि कैसा है, हम ऐसे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिसके पीछे कैसा से क्वेश्चन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुलिंग। करता है, यहाँ पे क्या हुआ, करता है, तो ये इसके वजह से भी हम जान सकते हैं ये पुलिंग है। वैसे ही दूसरा प्रकार यानी कि स्त्रीलिंग, जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध यानी कि स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा के बारे में अगर हमें क्वेश्चन होता तो हम क्या पूछते, गंगा कैसी नदी है, तो जिस शब्द से यानी कि कैसी शब्द से प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। छात्रा पुस्तक पढ़ रही है, छात्रा क्या कर रही है, तो यहाँ पे रही है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रहा है, तो क्या होगा, पुलिंग। तो ये क्रिया की वजह से भी हम जान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या नहीं। यहाँ ईमानदार नौकरानी है, तो नौकरानी के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, कैसी नौकरानी है, तो नौकरानी जो है वो क्या हुआ, स्त्रीलिंग। तो अब आपको लिंग के बारे में उसके दो प्रकार यानी कि पुलिंग और स्त्रीलिंग, पुलिंग यानी कि पुरुष होने का बोध होता है और स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री होने का बोध होता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब पुरुष शब्द की पहचान और स्त्री शब्द की पहचान के बारे में हम जानेंगे। तो अब देखते हैं पुलिंग शब्द की पहचान यानी कि शब्द पुलिंग है वो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके दो तरीके, एक तो मैंने जैसे बोला कि उसके पीछे कैसा से हम क्वेश्चन करते हैं तो वो पुलिंग होगा, और दूसरा उसकी क्रिया से यानी कि आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो पुलिंग की पहचान करवाते हैं, जैसे कि शरीर के अंगों के नाम, पैर, तो हम क्या बोलते हैं, पैर कैसा है, पेट, मुख, मुख कैसा है, उसके बारे में अगर हमें कुछ पूछना है तो हम क्या बोलेंगे, कैसा है। वैसे ही बाल, कान आदि, वो सब क्या है, पुलिंग शब्द। हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, जेठ, आषाढ़, श्रावण आदि। आप यहाँ पे लिखे हुए कोई भी शब्द के पीछे विशेषण लगा के अच्छा या अच्छी, तो यहाँ पे पुलिंग है तो क्या लगेगा, अच्छा, या तो फिर उसके बारे में कुछ पूछना है तो इससे आप जान सकते हैं कि वो पुलिंग है या नहीं। दिनों के नाम, सोमवार, सोमवार कैसा, मंगलवार, बुधवार आदि जो दिनों के नाम है वो पुलिंग शब्द है। फलों के नाम, केला,
केला अचार, संतरा, अमरूद और अंगूर आदि जो फल के नाम है वो क्या है? पुलिंग। पेड़ों के नाम, नीम का पेड़ कैसा है या तो फिर नीम का पेड़ अच्छा है, उसे हम जान सकते हैं कि ये पुलिंग है। वैसे ही पीपल, शीशम, अशोक, आम आदि। पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, सातपुड़। हिमालय पर्वत कैसा है या तो फिर हिमालय पर्वत जो है अच्छा है, तो हम उसके पीछे क्या लगाया? विशेषण अच्छा। वैसे क्या हुआ? पुलिंग शब्द। धातुओं के नाम, सोना, सोना अच्छा होता है या तो फिर सोना कैसा है, पीतल और तांबा। तो यहाँ पे धातुओं में एक अपवाद है यानी कि चांदी, ये जो है वो पुलिंग शब्द नहीं है, क्योंकि हम चांदी के बारे में अगर पूछना है तो चांदी कैसी, अच्छा तो चांदी अच्छी है यानी कि जो चांदी शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग। वर्णमालाओं के नाम, अ, आ, उ, ऊ, क, ख, ग आदि, वो सब क्या है? पुलिंग। सागर व महासागरों के नाम यानी कि प्रशांत महासागर, बहुत अच्छा महासागर है तो क्या विशेषण लगाया? अच्छा। हिंद महासागर, अरब महासागर और लाल सागर। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। तो अगर सूर्य के बारे में अगर हमें पूछना है तो हम क्या बोलेंगे? सूर्य कैसा है, तो कैसे से प्रश्न हुआ इसलिए क्या हुआ? पुलिंग। वैसे ही चंद्र, मंगल और बुध। लेकिन अगर पृथ्वी के बारे में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी कैसी है या तो फिर पृथ्वी है अच्छी है, तो अच्छी विशेषण लगेगा, इसलिए पृथ्वी का जो उल्लेख है वो पुलिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग में होता है। समय सूचक शब्द, वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन और घंटा। तो यहाँ पे हम पूछेंगे आपका वर्ष कैसा रहा, तो पीछे क्या आएगा? रहा। तो इससे क्या पुलिंग होने की पहचान होती है। वैसे ही मास, पक्ष, सप्ताह, दिन और घंटा, आपका ये घंटा कैसा रहा है, तो फिर ये घंटा बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसमें अपवाद है यानी कि शाम, रात, घड़ी, वो है वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। क्योंकि शाम के बारे में हम पूछेंगे तो आपकी शाम कैसी रही, यहाँ पे क्या आएगा? घड़ी। तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। वैसे ही रात और घड़ी। समुदाय वाचिक शब्द यानी कि दल, मंडल, संघ, समूह, समुदाय, परिवार, कुल, गुच्छा आदि आदि, यानी कि जो दल है तो ये दल बहुत बड़ा, हम ऐसे बोलते हैं, ये दल बहुत बड़ी, हम ऐसे नहीं बोलते, इसीलिए इसमें क्या लगा? बड़ा। तो ये क्या हुआ? पुलिंग। वैसे ही मंडल, संघ, समूह, समुदाय, परिवार, कुल, गुच्छा और आदि। तब आपको ये शब्द जो है अपनी बुक में लिखने हैं और इसके पीछे कैसा या तो फिर अच्छा ये शब्द जोड़कर पुलिंग शब्दों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, जैसे हम पुलिंग शब्द के पीछे क्या लगाया था? अच्छा विशेषण या तो फिर जा रहा है विशेषण। वैसे इसमें क्या करता है? अच्छी या तो फिर रही है, उसके हिसाब से हम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। तो स्त्रियों के आकारांत, इकारांत और इकारांत शब्दों वाले नाम यानी कि आकारांत यानी कि पीछे आ का उच्चारण, इकारांत यानी कि पीछे ई का उच्चारण, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है उषा, जो स्त्री का नाम है और उसके पीछे क्या उच्चारण होता है? तो कि आ। तो ये क्या हुआ? स्त्री यानी कि उषा जा रही है, तो क्या हम लिखेंगे? रही है। तो उसके हिसाब से क्या पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग हुआ। वैसे ही कमला, राधा, सत्या, मेघा, रश्मि, तो यहाँ पे क्या हुआ? ई का उच्चारण, यहाँ पे लिखा हुआ है ई का उच्चारण हो, उसे भी स्त्रीलिंग कहते हैं। वैसे रश्मि, रजनी, शिवानी आदि। वैसे संस्कृत के आकारांत शब्द यानी कि ऐसे संस्कृत के शब्द जिसमें पीछे आ का उच्चारण होता है, आभा, शोभा, प्रतिभा और लालिमा। नदियों और जिलों के नाम यानी कि नदियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि गंगा, गंगा बहुत लंबी है तो हम क्या पीछे लगाएंगे? लंबी। वैसे ही यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और राय, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जिसे स्त्रीलिंग नहीं कहा जाता, दल, बुलर, सागर और जल, जो कि है वो
टीवी में नहीं आती। भाषा व बोलियों के नाम, यानी कि भाषा और बोलियों के नाम। हिंदी, मुझे हिंदी अच्छी लगती है, तो हम क्या रखेंगे, अच्छी लगती है, तो क्या हुआ स्त्रीलिंग। अंग्रेजी, मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, तो क्या आया आती है, तो क्या हुआ वो स्त्रीलिंग। वैसे ही नेपाली, पंजाबी, संस्कृत आदि जो भाषा के नाम है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों व तिथियों के नाम, यानी कि रोहिणी, अश्विनी, चित्रा, अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। यह सत्य के योग से बना लघुतावासी शब्द। लघुतावासी शब्द यानी कि जो कोई छोटी चीज के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लघुतावासी शब्द। तो ऐसे लघुतावासी शब्द जिसमें यह प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि कुटिया, तो क्या हुआ यह प्रत्यय, खटिया, चिड़िया, चूहिया, गुड़िया और कुड़िया। तो ये सारे थे स्त्रीलिंग शब्द जो हम उसके विशेषण अच्छी या तो फिर आ रही है उसके हिसाब से उसकी पहचान कर सकते हैं। तो हम इसका परिवर्तन, लिंग परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो हम पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन, यानी कि कैसे पुलिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुछ प्रत्यय लगाकर जो है वो पुलिंग शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रत्यय यानी कि किसी मूल शब्द के पीछे लगकर जो नया शब्द बनता है, तो जो पीछे जो शब्द लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय, जो आप अगले लेक्चर में आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आ प्रत्यय लगाकर, यानी कि आ प्रत्यय लगाकर पुलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पे बाला, तो उसके पीछे आ प्रत्यय लगाकर क्या होगा, बाला। तो बाल जो है वो पुलिंग का, बाला क्या हुआ स्त्रीलिंग। वैसे ही प्रिय, तो उसका क्या होगा प्रिया, आ प्रत्यय लगाना। शिष्य, उसमें आ प्रत्यय लगाना क्या होगा, शिष्या। वैसे ही छात्र, तो आप प्रत्यय लगाने से क्या होगा, छात्रा। महोदय, तो उसका होगा महोदया। तो ये क्या हुआ, आप प्रत्यय लगाने से पुलिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। जैसे बाल तो बाला, प्रिय तो प्रिया, शिष्य तो शिष्या, छात्र तो छात्र और महोदय तो महोदय। वैसे दूसरा ई प्रत्यय लगाकर, यानी कि जो दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर जो है वो पुलिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कबूतर, तो उसका क्या होगा कबूतरी। वैसे ही गो, ई प्रत्यय लगाने से गोपी, देव, ई प्रत्यय से क्या होगा देवी। मामा, तो उसका होगा मामी। और नाना, तो होगा नानी। यानी कि दीर्घ ई प्रत्यय लगाने से पुलिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। कबूतर तो कबूतरी, गो तो गोपी, देव तो देवी, मामा तो मामी, नाना तो नानी। वैसे ही इन प्रत्यय लगा तो कहा, तो क्या होगा कहा रिन। यहाँ पे क्या लगाया इन प्रत्यय, धोबी, तो उसका क्या होगा धोबी भस्वई, यानी कि यहाँ पे इन प्रत्यय जो है लगा। पुजारी, पूजा रिन। वैसे ही ना, तो उसका नागिन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हस्वई इन प्रत्यय लगाकर जो है वो पुरुष पुलिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। कहा तो कहारी, धोबी तो धोबी, पुजारी तो पुजारी, नाग तो नागिन। वैसे ही नी प्रत्यय लगाकर जाट, तो उसका क्या होगा जाटनी। वैसे ही मोर का स्त्रीलिंग, तो मोरनी। यहाँ पे नी प्रत्यय लगाकर जो है हमने पुलिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। शेर, उसका क्या होगा शेरनी। वैसे ही शी का सिंह। अब जो है वो आनी प्रत्यय लगाकर,
तो यहाँ पे लिखा है नौकर, तो उसका क्या होगा, आनी प्रत्यय लगाना दिया, तो फिर नौकरानी। वैसे ही जेठ, तो जेठानी, आनी जो प्रत्यय हो लगा। देवर, देवरानी। भव, तो भवानी। यहाँ पे हमने क्या लगाया, आनी प्रत्यय, यानी कि नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी और भव का भवानी। वैसे ही आयन प्रत्यय लगा, तो गुरु के पीछे आयन प्रत्यय लगा है, तो उसका क्या होगा, गुरु आय, पंडित, तो उसका होगा पंडित आय, और हलवाई, तो उसका होगा हलवाई। तो ऐसे आयन प्रत्यय लगाने से जो है वो पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो सकता है। तो इसने जो प्रत्यय लिखे हुए वो लगाकर जो है वो पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मति और मति लगाना, यहाँ पे दो लिखे, मति और वति। जब शब्द के पीछे वान, तो उसका हम क्या करेंगे, वति, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गुणवान, तो उसका क्या होगा, स्त्रीलिंग गुणवती। वैसे ही भगवान, तो क्या हो पीछे बोलने मेहरवान, तो उसका क्या होगा, भगवती। बुद्धिमान, तो यहाँ पे पीछे मान है, तो उसका हम क्या करेंगे, मति। श्रीमान, तो श्रीमती। वैसे कुछ शब्दों के पीछे मति और वति लगाकर जो है वो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया गुणवान का गुण वति, अगर पीछे वान है तो उसका हम क्या करेंगे, वति, अगर मान है तो मति, जैसे हमने यहाँ पे किया है गुणवान का गुणवति, भगवान का भगवती, बुद्धिमान तो बुद्धिमति और श्रीमान का श्रीमति। वैसे ही ई का प्रत्यय गगापर, यानी कि हस्वई, तो यहाँ पे लिखा है अध्यापक, तो उसका क्या होगा, अध्यापिका। हमने यहाँ पे क्या प्रत्यय लगाया, टीका, गायक, तो गायिका। नायक, तो उसका क्या होगा, नायिका। सेवक, तो उसका क्या होगा, सेविका। जैसे इन टीका प्रत्यय लगाने से जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, जैसे हमने किया अध्यापक का अध्यापिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका और सेवक का जो है हमने किया सेविका। वैसे ये इनी और इन्हनी प्रत्यय लगाकर, यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि अगर वान है तो वति, मान है तो मति, लेकिन इनी और इन्हनी हम दोनों पर कोई एक चीज जो है लगाकर कर सकते हैं। जैसे अभिमानी, तो उसका क्या होगा, अभिमानिनी। अधिकारी, तो उसका होगा अधिकारिणी। स्वामी, तो उसका होगा स्वामिनी। यहाँ पे जो है इनी और इनी दोनों में से कोई एक जो है लगाकर हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। मनोहरी, तो उसका होगा मनोहरिणी। तो इनी और इनी लगाकर जो है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, यानी कि अभिमानी तो अभिमानिनी, अधिकारी तो अधिकारिणी, स्वामी तो स्वामिनी और मनोहरी तो उसका क्या होगा, मनोहरिणी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ प्रत्यय लगाकर जो है वो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसमें कोई जो है वो नियम लागू नहीं होता, जैसे यहाँ पे मैंने वो लिखे हुए हैं भिन्न रूपण, यानी कि उसका जो पुलिंग जो है वो फिक्स है और उसका जो स्त्रीलिंग है वो भी फिक्स है, लेकिन पुलिंग में से स्त्रीलिंग परिवर्तन करने के लिए कोई प्रत्यय या तो कोई भी नीति नियम जो है वो नहीं, जैसे कि कवि, तो उसका क्या होगा, कवि स्त्री। पति, तो उसका स्त्रीलिंग होगा पत्नी। समुद्र, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, नदी।
वैसे ही पुरुष का क्या होगा? स्त्री। राजा का रानी, विदुर का विधवा, साधु का साध्वी, नर का नारी या तो फिर मादा। वैसे ही पवन का जो होगा हवा। बेड, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। दरवाजा, तो उसका स्त्रीलिंग जो है वो खिड़की ही होता है। सम्राट, तो सम्रांगिनी। और भाई का बहन या तो फिर भाभी। तो अब आप कुछ भिन्न या तो फिर कुछ प्रत्यय लगाकर जो है वो स्त्रीलिंग में से स्त्रीलिंग परिवर्तन आपको आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस का जो है वो लिंग परिवर्तन। आप ये तो समझ गए कि शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन उस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसका परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि उसकी जो क्रिया है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे जो है लड़का, तो उसका क्या होगा? लड़की। लड़की खेल रही है। यानी कि जो लड़का का तो लड़की हुआ, लेकिन जो रहा है इसकी जगह पे हमने क्या लिखा? रही। यानी कि उसकी जो क्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता है। वैसे ही मंदिर में एक पुजारी आए, तो मंदिर में एक पुजारी, पुजारी का क्या होगा? पुजारी। तो हमने क्या किया? पुजारी का जो है वो पूजा ऋण और आय का आय। वैसे ही लड़की बाजार जाती है, तो जो लड़की है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? लड़का। लड़का बाजार जाता है, उसकी जो क्रिया है उसमें भी परिवर्तन हो गया। यानी कि लड़की का क्या किया? लड़का, लेकिन जाती है तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा? जाता है। उसकी पत्नी विद्रोह जारी रखेंगी, तो उसका क्या होगा? उसकी की जगह पे क्या हम करेंगे? उसका। पत्नी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति। उसका पति विद्रोह जारी रखेगा। तो यहाँ पे हमने तीन शब्द का जो है परिवर्तन किया, एक तो उसकी जगह पे उसका, पत्नी का स्त्रीलिंग पति, और रखेगी तो रखेगा। वैसे ही हमने भगवान से प्रार्थना की, तो यहाँ पे हम जो है भगवान का जो स्त्रीलिंग करेंगे, यानी कि हमने भगवती से प्रार्थना की। यहाँ पे हमने क्या किया? भगवान का भगवती। पिताजी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिताजी का क्या होगा? माताजी। और रहे हैं यानी कि रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माताजी काम कर रही है, तो उसकी क्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता है। यह ईमानदार नौकरानी है, तो यहाँ पे जो नौकरानी है उसका लिंग परिवर्तन यानी कि पुलिंग, तो यह ईमानदार नौकर है। ईमानदार नौकर है। वैसे ही शेर बड़ा चालाक होता है, तो शेर की जगह पे क्या होगा? शेरनी। शेरनी बड़ा, बड़ी चालाक होती है।
चला होती है, हमने क्या यहाँ पे होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया होती है, यानी कि शब्दों का लिंग परिवर्तन आराम से हो जाता है, लेकिन जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसका परिवर्तन करने के लिए कुछ जगह पे जो है वो क्रिया का भी परिवर्तन होता है। तो अब आपको लिंग, लिंग के दो प्रकार और उसका परिवर्तन जो है वो आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने बोर्ड वर्क किया है वो सब आपको बुक में लिखना है, और इसके बारे में जो भी होमवर्क है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। थैंक यू।